हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय सरजो। मैं हूं एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। सो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं रिगार्डिंग द मायोपिया। मायोपिया वीक इज कमिंग, दैट इज फ्रॉम 13th to 19th of November। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर अवेयरनेस ऑफ मायोपिया। एंड मायोपिया के बारे में आज हम एक क्विकली एक बार बात करेंगे कि इसके बारे में हम क्यों आज वीडियो बना रहे हैं, क्यों इतनी अवेयरनेस की जरूरत पड़ गई जो आज से कुछ साल पहले नहीं थी। सो एज यू नो, मायोपिया जो है एक शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है? जिसमें आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते एंड आपको उसके लिए एडिशनल ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। सो यूजुअली देखा गया है कि बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है पहले से ज्यादा मायोपिया। अगर हम बात करें प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, देयर इज ड्रास्टिक शिफ्ट इन द मायोपिया ट्रेंड। इट्स नाउ बिकम एन एपिडेमिक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो वट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन मायोपिया? मायोपिया बच्चों में ज्यादातर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम्स। अब बच्चों में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है, पहले से ज्यादा स्क्रीन टाइम है, नियर वर्क ज्यादा है, आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है। तो ये सारी चीजें पोस्ट कोविड देखी गई, जब हम लॉकडाउन में ज्यादातर अंदर थे और हम स्क्रीन पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। सो देखा गया कि मायोपिया ट्रेंड, मायोपिया जो इंक्रीज इन शिफ्ट है, बहुत ज्यादा हो गया है लास्ट कुछ ईयर्स में। और व्हाई इट इज नाउ टॉक ऑफ द टाउन? बिकॉज कुछ साल पहले हम देखें तो ऐसे हम इतनी विग्रेसली बात नहीं कर रहे थे मायोपिया के बारे में, आज हम कर रहे हैं। पहले आज से 8-9 years, 10 years पहले मायोपिया के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट्स भी कम थे। जैसे कि एग्जांपल पे मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस जो अब बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, बट आज से कुछ साल पहले नहीं थे। कुछ स्टडीज हुई कि ऐसा क्यों हुआ, तो एक नई चीज निकल के आई कि मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए ग्लासेस भी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ ड्रॉप्स डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं एट्रोपिन 0.1%। यू शुड आस्क योर डॉक्टर एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, दे विल टेल यू अबाउट इट मोर डिटेल्स। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जो बच्चे हैं जिनको मायोपिया हो जाता है, वो कैसे आप बताएं आपको और कैसे पता चले उनको कि हाँ मुझे मायोपिया हो गया है। सो नाउ वी शुड गो ऑन द ट्रैक ऑफ गोइंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दो चीजें हैं। एक, जो पेरेंट्स है, सबसे ज्यादा बच्चे अपने पेरेंट के साथ रहते हैं, तो पेरेंट हैज टू बी वेरी वेरी अवेयर। मॉम्स को काफी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर बच्चा कुछ अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, या फिर क्लास में कंसंट्रेशन कम है, या फिर कई बार हो सकता है वो आपको बताएगा नहीं, बट उनका जो फील्ड होता है, जो एरिया ऑफ एक्टिविटी होता है, वो पास का होता है, तो वो नहीं बताएंगे कि उनको दूर का नहीं दिख रहा है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू गेट द आई चेकअप डन ऑफ द चाइल्ड। एंड नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे, दे आर स्पेंडिंग द टाइम विद द टीचर्स। सो अगेन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एज वेल कि उनको वो देखें, ऑब्जर्व करें। अगर बच्चा कंसंट्रेट कम कर रहा है, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड उसको नहीं दिख रहा है, स्क्रीन उसको दूर की नहीं दिख रही है, सो देन दैट इज द अलार्म वेयर दे शुड गेट देयर चाइल्ड आई चेकअप डन। सो लॉट ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैव कम अप। देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड, फर्स्ट इज द आई ग्लासेस, मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस हैं, मायोपिया कंट्रोल ड्रॉप्स हैं। देन वी हैव ऑर्थोकेराटोलॉजी। वॉट इज ऑर्थोकेराटोलॉजी? जिसमें एक लेंस होता है आरजीपी लेंस, हम रात को पहन के सोते हैं, मॉर्निंग में वो हम निकाल देते हैं, वो रिवर्स कर्वेचर पे हमारे काम करता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं बेसिकली? और नाउ द एक और जो चीज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा सनलाइट, कि बच्चे जो है बाहर सनलाइट में खेलने नहीं जा रहे हैं, और नाउ इट्स द टाइम की जब उनको जाना चाहिए। वाई? बिकॉज सनलाइट हैज अ रोल टू प्ले, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So there are a lot of things associated with the myopia. We can treat myopia. It's treatable. अगर किसी को myopia है और वो बढ़ रहा है, so it's very very important to get the eye checkup done by an eye doctor or an optometrist. वो जाएं एक qualified optometrist के पास, एक बार उसको checkup करवाएं। और अगर आपको high myopia हो जाता है, तो why it is very very important? Because आपको अगर high myopia है, so आपको later stage पे काला मोतिया हो सकता है, बहुत जल्दी उसको हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। सो एवरी टाइम द साइंस इज इन्वॉल्विंग, एवरी टाइम द रिसर्च इज गेटिंग हैपनिंग, एंड बहुत सारी रिसर्च इस फील्ड में हो रही है। सो डेफिनेटली अगर आपके बच्चे को मायोपिया है, सो यू शुड गेट द आई चेकअप डन वंस अ ईयर, एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे। कम हो गया माँ कहे दूध पियो पापा क्या कहे आफत।